हैं अंजलि, एक इन्फ्लुएंसर, लेकिन लोगों का इन पर ये आरोप है। ये किस चीज की इन्फ्लुएंसर है कोई नहीं बता पा रहा। क्या ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है या मेकअप या फूड नॉन आइडेंटिफाइड? आइडेंटिफाई मत करो यार, ये एग्जिस्ट ही क्यों करती है? बकचोदी एक कीड़ा है जो कि हर किसी के पास नहीं होता, और जिसके पास होता है वो उसे बरकरार नहीं रख पाता। अब बरकरार रखे भी तो कैसे, कुछ होना भी तो चाहिए ना उंगली करने के लिए। क्या आप मानती हैं जो आप पे आरोप है? मैं एडल्ट फिल्म नहीं बनाती हूँ, मैं इरोटिका फिल्म बनाती हूँ। रणविजय की तरह ऊपर से 32 नीचे को 36 बीच में के 24 बुझाता की ना, बुझाता की ना, बुझाता की ना। अगला वीडियो मैं जुजारू आंटी पे बनाने वाला था, लेकिन मुझे एक बहुत ही बेहतरीन मौके वाला ऑफर आया जिसको मैंने बहुत अच्छे से अपनाया, पर थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है, और साथ में अंजलि भी आए। अभी हाल ही में इन मैडम जी को सस्ते वाले बिग बॉस का ऑफर आया है जिसको सलमान खान नहीं कंगना चलाती है, तो इसी बहाने क्यों ना हम कंगना के अंगना में चले जाएं। तो आज हम इसी बहाने से माइक का कवर उतार के उसमें एक बेहतरीन सी कू कू की आवाज निकालेंगे, और उसके बाद एक बार फिर से अंजलि अरोड़ा के साथ साथ कंगना रनौत के लॉकअप शो की भी गंदी गेंद फाड़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जगाते हैं अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। लोग मुझे प्यार करते हैं। और करमजलि के क्या हाल है? तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्या हो भाई, बड़ी जोश में? भाई जोश की तो बात ही है यार, क्योंकि ऐसा कभी कभार ही होता है कि एक शो में कई सारे चूतिए एक साथ मिलके बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार मैटर कुछ अलग है। इस शो में एक से एक नमूने आए हैं ऊपर से लेके नीचे तक। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे आपको कंट्रोवर्सी की दुकान और मीठा पकवान दोनों एक साथ एक घर में ही बैठे हुए देखने को मिल जाएंगे, सीरियल किलर के साथ। बाकी और लोगों से मुझे ऐसी कोई खास हिरस नहीं है, लेकिन इसके जैसे लोगों से मुझे सबसे तगड़ी वाली हिरस है। मतलब टीआरपी कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों को बुलाना पड़ता है, और लोग भी कौन से इसके जैसे, सीरियसली इसके जैसे। क्या है, कौन से लोग हैं ये? मतलब जुम्मे जुम्मे के फॉलोवर हुए नहीं, वेरीफाई अकाउंट हुआ नहीं, कंगना ने सीधा अपने अंगना में बुला लिया। वाह, खैर कंगना से यही एक्सपेक्टेड था, उसके बस में होता तो गोद में बिठा लेती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इतना सब कुछ तो मिल गया इन लोगों को, क्या चाहते हैं ये लोग? आधे से ज्यादा हाफ नोट्स दिखा के पैसे कमा लेते हैं, बच्चे कुछ फ्रॉड कर लेते हैं, तो फिर बचा क्या? तो अंजलि पे पहले बाद में आएंगे, फिलहाल आते हैं ऑनलाइन पुदीना बेचकर सिंगल लॉन्डो के अरमान जगाने वाली पूनम पांडे पर, जिनके कारनामों को मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, या फिर चाहते हो कि मैं बताऊं? चचुआ नॉटी हो रहे हो। मैं अगर थोड़ा बहुत भी अपने जरिए उस आर्ट को दिखा सकती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत। कभी योगा करते हुए नहीं देखा। इसे कहते हैं भाई नहले पे दहला, उड़ने वाला केला। पूनम पांडे ने अपने अतीत में कुछ इतने पुण्य काम किए हैं कि उनसे मेरा और मेरे जैसे कई रंडवे लौंडों का भला हुआ है, क्योंकि जब 2G के जमाने में हनी सिंह इंटरनेट क्रैश कर देता था तभी पूनम ने भी एंट्री मारी थी, और कमएमई में भी उस समय में हम जैसे लौंडों का हालेलुया हो जाता था। तो हाँ, ये बात तो मानी जा सकती है कि गलत रास्ते पे निकल के भी बहुत सारे सही काम किए हैं जवान लौंडों के मटके खाली करवा के। दुआ मिलती होगी पूनम पांडे को। खैर पूनम की एक बात तो जस्टिफाइड है कि कम से कम जो वो करती है उस चीज को एक्सेप्ट तो करती है। इनके जैसे तो इतने ज्यादा मासूम बन जाते हैं ऐसे समय पे जैसे कि डोबरमैन ने काट लिया हो। Because we have a very beautiful government and I want everybody to respect that. उधर पूनम का इंटरव्यू चल रहा है, इधर इसे देखो बहनचो कैसे देख रहा है। आंटी जी तो कतई भरी पड़ी है भाई, अभी कंगना ना होती तो इसे खूब सुनाती बिठा के। योगा नहीं करती मैं, बड़ा पाव खाती हूं। वीडियोस देखे हैं कुछ क्रिसमस पे
और कुछ ऐसे अच्छे वीडियोस थे, बहुत अच्छे लगे मुझे, इतने अच्छे थे कि डाउनलोड करके रख लिया उनको। अरे कंगना जी ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो जॉइन ऐप वाले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा था, वो तो बहुत ही कंट्रोल करा रही है ना अपने जज्बातों को, कुछ बातें तो छुपा ले कम से कम। ये बातें बताई नहीं जाती। खैर कंगना के पास कॉन्ट्रोवर्सी को हटा के कोई काम धंधा ना होने के कारण भी कम से कम एक आध अच्छा काम तो हुआ। सबसे अच्छा तो ये हुआ कि इन जैसों को थुथुड़ी देखते ही इनकी औकात याद दिला दी गई। हम लोग मुझे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? हाँ मैं भी जानता हूँ कैसा वाला प्यार करते हैं। बॉयज आप भी अपना हिला कर दिखा दो यार, बस कर दीदी कितना हिलाएगी हम कमजोर हो जाएंगे। भैया ऐसा प्यार अगर कोई किसी को करने लग जाए ना तो लोगों का प्यार से विश्वास ही उड़ जाए। बढ़िया ही प्यार करवाने वाली। इसलिए वो मुझे फॉलो करते हैं और वो मुझे देखना पसंद करते हैं और जो मैं करती हूँ शायद वो उसी के लिए मुझे फॉलो करते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही, जो करती हूँ ना सिर्फ उसी के लिए लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर वो करना छोड़ दिया तो 10 मिलियन के अकाउंट को भी डेड होने में देर ना लगेगी। चलो बेशरम ही सही, एक्सेप्ट तो किया। तो हम देखेंगे कि आप करती क्या है, प्लीज प्ले द रील। ना ये गाना था ना ये किसी तरह की कोई भावना को दिखाना था, ये इसको कह सकते हैं हमारे हिमाचल में कहावत है कि मैं कौन मैं खामोखा। ले ली भाई ले ली। अंजलि अगर तुझे ये लगता है ना कि कोई तुझे प्यार करता है तो ये तेरी गलत फहमी है। इतने कॉन्फिडेंट से जो कह रही है ये बता तूने प्यार करने वाला ऐसा काम किया ही क्या है, लोगों की ठरक जगाई है बेफालतू में और कुछ नहीं। भाई अगर करना है तो कुछ मुश्किल काम करके दिखाओ ना, आजकल तो हर दूसरी लड़की इंस्टाग्राम पे यही करती है, इसमें इतना मुश्किल क्या है बेफालतू में ऐसे सब बुड्ढों के सामने आके सफेद झूठ बोलना। ये गलत है मादर चोद। और तुम्हारा एक सेट वाले कमरे में एक भी ऑडियंस का बंदा ना होते हुए भी साउंड इफेक्ट चलाना, ये भी गलत है मादर चोद। पर लोग मुझे ही फॉलो क्यों करते हैं, शायद इसका जवाब नहीं है मेरे पास। चल झूठी, अगर पता ना होता ना तो कच्चा बादाम की ह्यूज सक्सेस के बाद उसी कपड़े में ये वाला वीडियो न डालती। चूतिया मत बनाएगा, ज्यादा बकचोदी करी ना तो बॉलीवुड वाले परमानेंटली करियर बंद कर देंगे, बार बार उंगली कर करके तंग कर देंगे। किसी होशियार इंसान ने एक बार सही कहा था, अरे दोगे तो सब लोग लेंगे, बंद करो ये सब नाटक। फिर आखिर में बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने बहुत कुछ कह दिया ऑलरेडी, अब मेरी बस की नहीं है। अब कहने को बच्चा क्या है, अब यहाँ तक आए हो तो कुछ ना कुछ तुम्हें हमेशा की तरह पसंद ही आया होगा, तो पसंद आया हो लाइक दबाए और नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ के बाजू वाले घंटे के पर लगाए। पूनम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे आए, एक बार सेकंड चैनल भी देख लेना भाई। और हाँ जाते जाते कैश करो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, कोड एब्सोल्यूट 25 यूज करना मत भूलना इंस्टेंट कैश बैक के लिए भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपने एब्सोल्यूट दुश्मनों की भाई।